हेलो माय डियर स्टूडेंट, सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा आइसोमेरिज्म। बच्चों ये क्या होता है, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना बच्चों जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका जो प्रॉपर्टीज होता है, उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स, और ये जो फिनोमिनन है बच्चों, इस फिनोमिनन को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बच्चों एक फिनोमिनन है, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बच्चों यहाँ पर बीथ लगाओ, अच्छा सेंटेंस हो जाएगा अगर हम बीथ लगाएंगे। द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। बच्चों जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन को शो करता है उस कंपाउंड को आइसोमर्स कहते हैं। द कंपाउंड विच शोज दिस फिनोमिनन आर कॉल्ड आइसोमर्स। बच्चों उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर्स। वह कंपाउंड जो इस घटना को शो करता है वैसे कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। बच्चों भाई आइसोमेरिज्म को हम लोग, इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जिसमें आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म क्या है हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। द फिनोमिनन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला। बच्चों ये मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा, मॉलिकुलर फार्मूला को बच्चों में MF लिख रहा हूँ, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन ए लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है बच्चों, चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। बच्चों ये जो चेन आइसोमेरिज्म होंगे इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ, चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, चेन आइसोमर्स ऑफ, अच्छा इससे पहले बच्चों ये कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो चेन आइसोमर्स शो करेंगे पहले इसको आप जान लीजिए। चेन आइसोमेरिज्म में होता क्या है बच्चों कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनमें जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो अलग अलग होगा, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे, और वैसे कंपाउंड्स को हम लोग चेन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम एग्जिबिट्स सच टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। बच्चों ये जो आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म, इसको अल्केन भी शो करेगा, अल्कीन भी करेगा और अल्काइन्स भी शो करेगा, लेकिन उसमें कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 से 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, वही कंपाउंड ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। बच्चों इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हम ब्यूटेन,
ब्यूटेन में बच्चों कितने कार्बन होते हैं? चार कार्बन होते हैं। बच्चों कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? तीन से अधिक होनी चाहिए। तीन से अधिक कार्बन अगर हम अल्केन में बात करते हैं तो तीन से अधिक कार्बन किस में होता है बच्चों? ब्यूटेन में होता है। चलो मैं आपको ब्यूटेन का चेन आइसोमर्स बना के दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप जानते हो, C4H10। बच्चों ये अल्केन क्लास का कंपाउंड है और अल्केन क्लास के कंपाउंड का आपको मैंने जनरल फॉर्मूला पढ़ाया था, CnH2n+2। ब्यूट में बच्चों कितने कार्बन होते हैं? चार कार्बन होते हैं। तो यहाँ आप अगर एन का वैल्यू 4 रखेंगे तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा दैट विल बी योर C4H10। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अच्छा अगर इस ब्यूटेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं कितने तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ? देखो अगर मैं इसमें ये जो चार कार्बन है बच्चों, ये 1, 2, 3, 4। अच्छा चूंकि ये अल्केन क्लास के कंपाउंड है तो सभी कार्बन के बीच में बच्चों क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर मैं इसकी टेट्रावेलेंसी पूरा करूँ तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारा ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बना। अच्छा बच्चों इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिखने का एक और तरीका है, CH3, CH2, CH2, CH3। ये हमारा बन गया बच्चों, इसको कहते हैं एन ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन के चारों कार्बन बच्चों अगर स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी रेखा में हो, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसमें बच्चों हम एक प्रीफिक्स एन लगाते हैं, इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसमें नॉर्मल ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन का स्ट्रक्चर सीधा हो, ठीक है, स्ट्रेट अगर स्ट्रक्चर हो तो उसमें हम एक प्रीफिक्स एन लगाएंगे। ठीक है, ब्यूटेन के नाम से पहले आपको एक प्रीफिक्स एन लगाना है। सो दिस वन इज नॉर्मल ब्यूटेन। तो बच्चों इसको हम ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को हम दूसरे ढंग से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं इसमें देखो ध्यान से, इस ये जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें अगर मैं तीन कार्बन ले रहा हूँ और एक कार्बन बच्चों अगर मैं नीचे कर रहा हूँ, देखो अगर मैं इसमें टेट्रावेलेंसी पूरा करूँगा कार्बन का, तो ये भी बच्चों इसका भी फॉर्मूला होगा C4H10। ये भी हमारा है C4H10। बच्चों इसको कहा जाता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसो क्यों लगा दिए बच्चों? देखो ध्यान देना, ये जो लास्ट कार्बन है अगर उस लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर हम मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं तो हम लिखते हैं, वैसे कंपाउंड्स में हम लोग एक प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? आइसो। और आइसो और इसके बाद क्या, चूंकि ये ब्यूटेन का कंपाउंड है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। यहाँ पर बच्चों आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल या IUPAC नोमेनक्लेचर काम नहीं आएगा। जब भी आप ये आइसो लगाओगे तो जो कंपाउंड का नाम है वही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आइसो के लिए बच्चों कंडीशन क्या है कि जो लास्ट कार्बन है अगर उससे पहले वाले कार्बन में कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो आपको प्रीफिक्स क्या लगाना है? आइसो लगाना है। बच्चों आइसो में ये जो कार्बन आप देख रहे हो, इस कार्बन की जो तीन वैलेंसी है वो अल्काइल ग्रुप से सर्टिफाइड है। देखो 1, 2, 3, इस कार्बन की तीनों वैलेंसी अल्काइल ग्रुप से सर्टिफाइड है। यानी अगर इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हो कहीं पे तो बच्चों आपको जो प्रीफिक्स लगाना है वो क्या लगाना है? आइसो लगाना है। सो दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। बच्चों ये जो ब्यूटेन है ना C4H10, इसको लिखने का यही दो पॉसिबल वे है, इसी दो तरीके से आप ब्यूटेन को लिख सकते हैं, तीसरा कोई पॉसिबल वे नहीं है। देयरफॉर ब्यूटेन हैज ओनली टू आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, जब भी बच्चों अगर आप आइसोमर्स लिखना तो उस कंपाउंड्स का अगर आप नाम लिखोगे तो अगर नाम से आपको पता चल जाएगा कि उस कंपाउंड के कितने आइसोमर्स होंगे। ठीक है, जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उस कंपाउंड का नाम जरूर लिखना बच्चों। अच्छा इसका अगर मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो क्या होगा बच्चों? इसमें हमारा ये मेन चेन हो गया, नंबरिंग कहाँ से होगा? 1, 2, 3। सेकेंड पोजिशन पर मिथाइल है तो बच्चों इसका नाम होगा 2-methyl। वो तीन कार्बन के रूट वर्ड बच्चों होता है प्रोप, और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो एन लगेगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-methyl propane। ये बच्चों इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो बच्चों ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर्स हो गए? दो हो गए। कौन कौन? एक नॉर्मल ब्यूटेन और सेकेंड इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलो बच्चों आपको पेंटेन का भी सिखाते हैं, पेंटेन का हम लोग चेन आइसोमर्स कैसे निकालेंगे। पेंटेन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? C5H12। हमको क्या करना है बच्चों? इसका स्ट्रक्चर बनाना है। बच्चे पांच कार्बन है, चूंकि अल्केन क्लास का कंपाउंड है तो सभी के बीच में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। चलो कार्बन की टेट्रावेलेंसी हम पूरा करते हैं बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 2, 2 and 3। बच्चों इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे नॉर्मल पेंटेन।
बच्चों अगर सभी कार्बन अगर स्ट्रेट वे में हो तो उसको हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल, ठीक है, दिस वन इज नॉर्मल पेंटेन। क्या बच्चों और कोई पॉसिबल वे है इसको एक्सप्रेस करने का, इसको लिखने का? चलो ये तो पहला एक तरीका हो गया। सेकेंड देखो बच्चों, अगर मैं मेन चेन में चार ही कार्बन लेता हूँ और एक कार्बन को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप लगा रहा हूँ और मैं कार्बन का टेट्रावेलेंसी पूरा कर रहा हूँ, बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? मैंने आपको ब्यूटेन में क्या बताया था कि लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पे अगर अल्काइल ग्रुप होता है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? आइसो। यहाँ भी आइसो लगाएंगे, क्या नाम हो जाएगा इसको बच्चों? आइसोपेंटेन, ठीक है बच्चों। या अगर आप इसका नंबरिंग मेथड से आप IUPAC नेम बच्चों अगर लिखेंगे तो इसका नाम होगा 2-methyl butane, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो बच्चों ये पेंटेन के आपके सामने दो आइसोमर्स हैं। क्या बच्चों और कोई पॉसिबल इसके आइसोमर्स हो सकते हैं क्या? क्या इसका थर्ड पॉसिबल आइसोमर्स भी हो सकता है? अगर बच्चों मैं मेन चेन में तीन ही कार्बन लेता हूँ, एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे डाल रहा हूँ और मैं इसका टेट्रावेलेंसी पूरा कर रहा हूँ, बच्चों ये भी है आपका C5H12। देखो बच्चों इसमें कार्बन 5 है, 3 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 9, 3, 12। बच्चों पेंटेन को लिखने का एक ये भी तरीका है। इसमें आपका मेन चेन बच्चों कितना हो गया? मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं और एक साइड चेन ऊपर है और एक साइड चेन नीचे है। बच्चों अगर लास्ट वाले से पहले वाले कार्बन पर अगर दो अल्काइल ग्रुप ऊपर और नीचे हो तो इसमें बच्चों जो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं वो है, उसको कहते हैं नियो। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों नियोपेंटेन। क्या होगा? नियोपेंटेन। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं बच्चों तो इसका नाम, क्योंकि सेकेंड पोजिशन पे दो मिथाइल ग्रुप है तो 2,2-dimethyl और मेन चेन में 3 कार्बन है बच्चों तो प्रोपेन, ठीक है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है? नहीं बच्चों, ये आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है। ये नाम मैं बच्चों इस IUPAC नेम इस कंपाउंड का मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। बच्चों देखो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर भी है और एक नीचे भी है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2,2-dimethyl propane, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? नियोपेंटेन। सो पेंटेन हैज 3 चेन आइसोमर्स, कौन कौन बच्चों? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। इसके अलावा और कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, यही 3 स्ट्रक्चर पेंटेन का पॉसिबल होगा, ठीक है। आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ और उसका अगर नाम लिखोगे तो इन्हीं तीनों में से किसी एक से वो मैच करेगा आपका, ठीक है बच्चों। जब भी कोई आप आइसोमर्स बनाना तो उसका नाम जरूर लिखना और नाम लिखने से आपको पता चलेगा कि ये सेम आइसोमर्स है या डिफरेंट आइसोमर्स है, ठीक है बच्चों। तो आपको पेंटेन का आइसोमर समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया चेन आइसोमर्स। इसी तरह बच्चों एक और आइसोमर्स है जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमेरिज। ये क्या होता है बच्चों? बच्चों पोजीशन आइसोमेरिज में क्या होता है? कंपाउंड्स having same molecular formula but different position of multiple bond or substituent present on carbon चेन। बच्चों इसमें क्या होगा कि इसमें मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन होगा कंपाउंड में वो अलग अलग होगा। नहीं, कहीं मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है फर्स्ट पोजीशन पे हो और दूसरे में मल्टीपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे हो, लेकिन दोनों का फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो वैसे कंपाउंड्स को बच्चों हम लोग पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज। बच्चों हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्कीन, अल्काइंस
shows such types of isomerism. बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑल्सो शोज सच आइसोमेरिज्म. बच्चों ये जो आइसोमेरिज्म है ये तो अल्किन शो करेगा ही, अल्काइंस भी शो करेगा, और सैचुरेटेड यानी अल्केन में भी अगर साइड चेन होगा उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो वह कंपाउंड भी आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक है, इसको बच्चों हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं. जैसे बच्चों मान लो ये हमारा एक कंपाउंड है, यहाँ पे बच्चों डबल बॉन्ड है. बच्चों डबल बॉन्ड जब आ जाता है तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस क्लास का कंपाउंड हो गया बच्चों, ये अल्किन क्लास का कंपाउंड हो गया. इसका हम टेट्रावेलेंसी पूरा कर लेते हैं. बच्चों टेट्रावेलेंसी तो आप समझते हो, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन डालना होगा, 3 हाइड्रोजन डालना होगा तब जाके इसका टेट्रावेलेंसी पूरा होगा. यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. अगर मैं इसका नाम लिखूंगा बच्चों तो क्या नाम होगा, इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट, और ब्यूट तो मेरा रूट वर्ड हो गया. और हमारा प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों, चूंकि डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, लेकिन यह इन किस पोजिशन पर, फर्स्ट पोजिशन पर है, तो ब्यूट 1 इन हम इसको लिखेंगे, या इसको ब्यूटीन भी लिख सकते हैं. बच्चों मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को स्किप भी कर दिया जाता है, ये मैं आपको नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुका हूँ. तो आप इसको ब्यूट 1 इन लिखेंगे. लेकिन अगर मैं इस डबल बॉन्ड के पोजीशन को यहाँ से हटाकर अगर सेकेंड पोजीशन पर डालते हैं बच्चों, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये इसका क्या नाम होगा बच्चों, ब्यूट 2 इन. तो ये बच्चों हमारा ये जो ब्यूटीन कंपाउंड है जो अल्किन क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके 2 पोजीशन आइसोमर्स होंगे, कौन कौन, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन. सो ब्यूटीन हैज 2 पोजीशन आइसोमर्स, ये आपको ध्यान में रखना है. सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपको ब्यूटाइन का बताऊं, ब्यूटाइन बच्चों ये अल्काइन क्लास का कंपाउंड है. ब्यूट में जानते हैं आप 4 कार्बन होते हैं, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा. अगर मैं इस कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरा करूँगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन, इस कार्बन का बच्चों टेट्रावेलेंसी ऑलरेडी पूरा है, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. क्या नाम होगा बच्चों इसका, ब्यूट 1 आइन. ठीक है, और अगर मैं इस ट्रिपल बॉन्ड को बच्चों अगर यहाँ डाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट 2 आइन. बच्चों ये ब्यूटाइंस के 2 पोजीशन आइसोमर्स होंगे. बच्चों आप देखते होंगे इन दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है. यहाँ भी बच्चों 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, 2, 5 एंड 1, 6. यहाँ भी बच्चों C4H6. बच्चों ये दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बट द पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इन बोथ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट. देयरफॉर दीज 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस हो गया. बच्चों सिंगल बॉन्ड के केस में भी आप इसको देख सकते हो. चलो एक थर्ड एग्जांपल से मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपको बताता हूँ. जैसे मान लो बच्चों ये हमारा एक कंपाउंड है, चलो इसका टेट्रावेलेंसी पूरा करते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3. ठीक है बच्चों, अगर सपोज करो यहाँ पे मेरा एक अल्काइल ग्रुप है, क्या नाम होगा इसका बच्चों, बच्चों इसका हम IUPAC नेम लिखें तो इस सेकेंड पोजिशन पे सब्स्टिट्यूएंट है तो 2-methyl pentane, ये बच्चों इसका नाम हो गया. अगर मैं इस सब्स्टिट्यूएंट को सेकेंड पोजिशन से हटाकर अगर थर्ड पोजिशन पर डाल देता हूँ बच्चों, CH3, CH2, C, यहाँ पे अगर मैं CH3 को डाल दूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम, तो इसका नाम होगा 3-methyl pentane. बच्चों यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों में अल्काइल साइड चेन जो है इसका पोजीशन अलग अलग है. देयरफॉर दीज 2 आर द एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमर्स. ठीक है बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड दीज 2 कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स. बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये आपको अल्किन भी शो करेगा, अल्काइंस भी शो करेगा, और आपका अल्केन भी शो करेगा. वैसा अल्केन जिस पर क्या होना चाहिए, साइड चेन होना चाहिए, वही कंपाउंड आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक है बच्चों, तो मैंने आज आपको आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स को डिस्कस किया, एक चेन आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।